नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो आने वाली है सिस्टम जिसे हम फ्लैश टैंक भी बोलते हैं, उसमें ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को ठीक करने के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कहाँ से जो ओवरफ्लो हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस ये जो हैंडल बना हुआ है इसके साथ में यहाँ पे जो पानी निकल रहा है, और ये देखिए ये यहाँ पर बूंद बूंद करके जो है नीचे गिरता जा रहा है। वैसे तो इस सिस्टम में जो यहाँ पे साइड में एक पॉइंट दिया जाता है जहाँ से ओवरफ्लो होके पानी निकल सके, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको जो ये प्रॉब्लम इस हैंडल के पास में दिखेगी। ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको इसका ये जो टॉप कवर है ये रिमूव करना पड़ेगा। इस कवर को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे साइड पे जो है वो प्लास्टिक की लॉक पिन लगी होगी वो ओपन करनी है। एक इस तरफ होगी और एक जो दूसरी तरफ होगी, तो आपको इन्हें ओपन कर लेना है। वैसे तो ये सिंपली हाथ से भी ओपन हो जाती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइट हो तो आप एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसके बैक साइड पे इस तरह से लगा के इसे जो धीरे धीरे बाहर की तरफ को निकाल सकते हैं। देखिए ये पिन कुछ इस तरह की होती है, और ऐसी एक पिन जो दूसरी तरफ होगी वो भी आपको निकाल लेनी है। इसके बाद में इसका जो कवर है इसे आराम से उठा लें, ये बाहर निकल आएगा। अंदर में ये एक फ्लोट बॉल लगा रहता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक ये बॉल लगा हुआ है प्लास्टिक का, और ये जो ये पानी के अगेंस्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ उठ जाता है जैसे ही पानी फिल हो जाता है। और ये इसका वाल्व सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से हमारा पानी जो वो इनलेट होता है, और यहीं पर हमारी जो बॉल सिस्टम लगा रहता है। जैसे ये जो यहाँ पर इस बॉल का लीवर है ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये जो पिन है ये यहाँ पर हमारा जो पानी है उस इस पानी की जो इनलेट है उसे बंद कर देता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो यहीं से होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो पानी है उसे थोड़ा सा यहाँ से इस फ्लैश को जो इस तरह से उठा के इसका जो पानी है उसका लेवल थोड़ा सा कम कर देना है, और ये जो पॉइंट है इसे आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा के इसे टाइट कर देना है। इससे होगा ये कि आपका जो ये पानी का लेवल है ये कम हो जाता है, अंदर में पानी कम आएगा मतलब, और ये जो वॉल है ये बंद हो जाएगा। आपको दो या तीन जो टर्न है वो दे देने हैं इसकी मदद से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना है। और फ्लो जो पानी का लेवल अगर आपको इंक्रीज करना हो तो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। और इस तरह से करने पे अगर आपकी जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाती है तो बेस्ट है। अगर इसके बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उस वक्त में क्या करना है। सबसे पहले आप इसकी पानी की जो इनलेट है उसे बंद कर दें, उसके बाद में थोड़ा सा जो पानी है वो निकाल दें, और अब आपको जो इसे ओपन कर लेना है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ओपन हो जाता है, इससे आपको जो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और ये ओपन हो जाएगा। इसे जो वो आराम से बाहर निकालें, ये देखिए ये इसके अंदर में ये पिस्टन सिस्टम लगा रहता है, और आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ ये देखिए इसके ऊपर में ये हल्की हल्की जो स्केलिंग जैसी आ जाती है कई बार यहाँ पर, ये देखिए इसके अंदर में आप अगर देख पा रहे हो ये देखिए ये थोड़ा बहुत जो कचरा भी इसके अंदर में आ जाता है। तो आपको इसे जो अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है पहले, तो ये देखिए ये आप देख ही पा रहे होंगे इसका जो कलर है एकदम मिट्टी की तरह हो गया, इसके अंदर में जो मिट्टी वगैरह जो कचरा है वो आ जाता है, और यहाँ पर अंदर की तरफ में भी जो कई बार कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो इसके बाद में आपको जो वो इसका जो पानी का इनलेट जहाँ से पानी आपने बंद किया था उसे एकदम फिर से छोड़ना है, और थोड़ा सा पानी इस तरह से निकाल देना है। अगर कोई कचरा अंदर में होगा तो वो भी निकल जाएगा, और इस रबड़ को भी जो वो आप क्लीन कर लें। और इस रबर को एक बार चेक जरूर कर लें कि ये कहीं से कटी तो नहीं है, इसमें कोई होल तो नहीं हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। मेरे केस में ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके बाद में फिर से आपको इससे जो वो अंदर में लगा देना है जैसे ये लगी हुई थी। ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये आप देख ही पा रहे होंगे, ये हमारा जो पाइप को इनलेट को बंद करता है, तो ये अंदर की तरफ रहता है। आपको इसे फिर इससे इसमें लगा देना है, और यहाँ पर इसकी रॉड में इसमें लगा के इसे जो वो दोबारा से बंद कर दें। इसे बिल्कुल जो वो अच्छी तरह से लगाएं, ये ऊपर नीचे ना लगे। ये देखिए इसकी जो सही पोजीशन है उसमें ही लगाना है आपको इसे, और इसके बाद में आपको इसे जो टाइट कर देना है। यह अभी टाइट हो चुका है,
और इसके बाद इसका जो पानी है उसे आप दोबारा से छोड़ दें। तो अभी हम इसमें पानी फिल करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम वो ठीक हुई है या नहीं। मुझे लगता है कि जो पानी का लेवल है वो ज़्यादा ही नीचे हो गया, तो इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। अभी मैं इसे जो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। अभी मैंने पानी को थोड़ा ज़्यादा फिल किया है जानबूझ के, ताकि मैं देख सकूँ कि इसके बाद भी पानी जो फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने जितना इसमें लेवल सेट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही पानी फिल किया था, और उसके बाद इसमें मैं 2 मिनट जो यहाँ पे खड़ा होकर देखता रहा कि इसका जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो जो इसका पानी का लेवल है वहीं के वहीं पे ही बना हुआ है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है ओवरफ्लो की, यहाँ पे इस जगह पे हमने उस रबड़ को जो वो क्लीन किया और थोड़ा सा यहाँ से हमने इस स्क्रू को जो वो टाइट किया और जो हमारी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है। अब हम इसका जो कवर है वो लगा देंगे। इसका जो कवर है वो आपको अच्छी तरह से रख देना है। देन ये जो लॉक हमने निकाले थे, इन लॉक्स को वापस लगा देना है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने फ्लैश टैंक में ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।